सतयुग का मुख्य धाम है बद्रीनाथ, त्रेता युग का रामेश्वर, द्वापर युग का द्वारिका और कलयुग का जगन्नाथपुरी, और इन्हीं में से पांचवा धाम है रुक्मणी बालाजी। कहते हैं जो व्यक्ति इन पांचों धाम का दर्शन कर लेता है, मानो उसने सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। सबसे पहले हम आपको पापों के नाशक धाम बद्रीनाथ धाम ले चल रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। यही है बद्री नारायण का मंदिर। चरणों में तेज तेज पग उठाती बढ़ रही है अलकनंदा नदी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार सतयुग में भगवान यहां मूर्तिमान होकर तपस्या में निरस्त रहते थे। यह है बद्रीनाथ धाम में नारद शिला। नारद शिला तप्त कुंड के निकट अलकनंदा की ओर वाली शिला को कहते हैं। इसी के नीचे नारद कुंड है, जहां से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर ऊपर मंदिर में स्थापित की गई थी। अग्निदेव ही बद्रीनाथ में तप्त जल धारा के रूप में निवास करते हैं। ये जल धारा तप्त कुंड के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। इसमें स्थान जप व दान करके पुण्य लाभ होता है। पंडे लोग इस तप्त कुंड पर अपने यजमानों से संकल्प छुड़वाकर दक्षिणा प्राप्त करते हैं। यूं तो भगवान विष्णु सभी के ही पूज्य हैं, लेकिन इस पुण्य धाम में ईश्वर की सर्वशक्ति और मंजुल दिव्य मूर्ति का आभास होता है। यात्रीगण हजारों की संख्या में यहाँ ईश्वर भगवान आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ आकर दर्शन करने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं। देव प्रयागी पंडित सामूहिक पूजा भी कराते हैं। अग्निकुंड पूजा के अतिरिक्त यहां सामूहिक रूप से पिंड दान करने का भी प्रचलन है। यूं तो और भी कई पूजाएं कराई जाती हैं। स्नान आदि के बाद भक्त लोग मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। नर नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर देव मंदिर में खड़े होकर एक अजीब से आनंद की अनुभूति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में अनेकों तीर्थ हैं, किंतु श्री बद्रीनाथ धाम के समान तीर्थ न हुआ है न होगा। पुराणों में से अनादि कहकर पुकारा गया है। बद्रीनाथ धाम में सूखे मेवे का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। कितने ही हाथ यथाशक्ति ले लीजिए, अपनी श्रद्धानुसार प्रसाद देकर कतार में खड़े होकर भीतर जाना होगा। श्री बद्रीनाथ धाम के प्रधान अर्चक नारद जी ही कहे जाते हैं।
इस क्षेत्र को नारदिया क्षेत्र के नाम से पुराणों में संबोधित किया गया था। देवर्षि नारद नर नारायण आश्रम में सदा हरि कथा सुनते थे और भगवान का दर्शन करते थे। कहते हैं कि द्वापर युग आने पर जब श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार धारण करने लगे, तब ऋषि मुनि भगवान से बोले, प्रभु आप ही हमारे एकमात्र सहायक हैं, आप हमें छोड़कर ना जाएं। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने कहा था, ऋषि कणों, अब कुछ काल के बाद कलयुग का प्रवेश हो जाएगा तथा सभी प्राणी धर्महीन होकर पापी हो जाएंगे। इससे उनके समक्ष मेरा साक्षात रूप नहीं रह सकता। यहाँ अलकनंदा नदी में दिव्य मूर्ति है। मेरे अंतर ध्यान हो जाने के बाद तुम इस मूर्ति को निकालकर स्थापित करना। इसके दर्शन मात्र से ही प्राणियों को मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा अनुसार देवर्षि ने नारद कुंड से भगवान की मूर्ति निकाली, जो शालिग्राम शिला पर ध्यान अवस्थित चतुर्भुज रूप में बड़ी दिव्य दिखाई दे रही थी। विश्वकर्मा ने मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित की। तब से 6 मास मनुष्य और 6 मास देवताओं को भगवान के श्री विग्रह रूप की अर्चना करनी होती है, क्योंकि शीतकाल के 6 मास में बद्रीनाथ आश्रम हिमाच्छादित होने से मनुष्य के लिए आगमय हो जाता है। अधिक पुष्ट धारणा ये है कि भगवान शंकराचार्य ने ही वर्तमान मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। भविष्य पुराण में शंकराचार्य को शंकर जी का अवतार माना गया है। इसी भविष्य पुराण में शंकराचार्य द्वारा श्री बद्रीनाथ जी की शिला स्वरूप मूर्ति को स्थापित करने का वर्णन है। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस पर सोने का शिखर चढ़ाया, जिसकी चमक तमक देखते ही बनती है। बद्रीनाथ का मंदिर लगभग 45 फीट ऊंचा है। इसका द्वार पूर्व दिशा की ओर है। बद्रीनाथ के मुख्य पुरोहित रावल, जो केरल प्रांत से ही नियुक्त किए जाते हैं, ये परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ की थी। विष्णु धामों के 5 धामों में से हम एक धाम की यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं। आइए अब दूसरे धाम की यात्रा पर चलें। लीजिए, हम रामेश्वरम धाम पहुंच गए। यही यहाँ का मंदिर है। भगवान राम के नाम से ही इसका नाम रामेश्वरम रखा गया था। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में भारत की दक्षिणी सीमा का आप इसे अंतिम छोर व स्थल भी कह सकते हैं। यही तो है रामेश्वर द्वीप। ये लगभग 25 किलोमीटर लंबा तथा 2.16 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ के सागर में जैसे एक खामोशी है। सागर का शांत धैर्य देखते ही बनता है। न लहरों की चपलता है, न ही कोई तूफान, बस शांत वातावरण दूर क्षितिज तक छाया है। एक गंभीरता अपने आप में समाये। लहरें बढ़ती भी हैं, जैसे दबे पांव तट को छूने के लिए। लोग समुद्र में स्नान का आनंद उठाते हैं। शीतल हवा शरीर को गुदगुदाती है और सृष्टि का सौंदर्य देखकर मन पुलकित हो जाता है। रामेश्वरम भारत के अत्यंत आदरणीय और रमणीय स्थलों में से एक है। ये भगवान शंकर के आदि द्वादिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये पवित्र पावन धाम है। राम अवतार के लिए विष्णु के हाथ के शंख के आकार में बसा है श्री रामेश्वर। कहते हैं कि काशी यात्रा तभी पूरी होती है जब रामेश्वरम की पूजा और धनुष कोटि में स्नान किया जाए। यहाँ यात्रीगण सागर का भरपूर आनंद तो उठाते ही हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। पंडे अपने यजमानों से गौ दान कराते हैं और रीति अनुसार पूजा का अनुष्ठान भी संपन्न करवाते हैं। यहाँ के लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर में स्थानीय पंडे यजमानों का मुंडन संस्कार एवं श्राद्ध आदि भी करवाते हैं।
धार्मिक पृष्ठभूमि में इसकी कथा इस प्रकार है। सुग्रीव की सेना लिए श्री राम सीता माता की खोज में यहाँ आए थे। रावण पर आक्रमण करने के लिए सागर पार करना जरूरी था। लंका द्वीप 100 योजन की दूरी पर था और भारत तथा उसके बीच था एक गहरा सागर। श्री राम ने सागर से मार्ग मांगा पर सागर ने साफ इनकार कर दिया। इस पर भगवान राम को कुछ क्रोध आया और उन्होंने धनुष उठाकर अग्नि बाण द्वारा सागर को सुखा देने की बात सोची। तभी सागर ने ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की और एक पुल का निर्माण करने का सुझाव दिया। श्री राम ने सागर की बात मान ली और विश्वकर्मा के पुत्र नल नील को, जो महान शिल्पी थे, बुला भेजा। नल नील ने अपनी शिल्प विद्या के प्रबल प्रताप से लकड़ी पत्थर जो कुछ भी मिला उसी को पानी पर तैरा दिया। देखते ही देखते राम जी की आज्ञा से 100 योजन लंबा तथा 10 योजन चौड़ा पुल बनाकर तैयार कर दिया। श्री रामेश्वर मंदिर में 22 तीर्थ हैं। समुद्र अग्नि तीर्थ कहलाता है। समीप ही अगस्त तीर्थ कुप है। मंदिर में प्रायः सभी तीर्थ कुप ही हैं। केवल शिव तीर्थ छोटा सरोवर है और माधव तीर्थ बड़ा। महालक्ष्मी और अगस्त्य तीर्थ बावलियां हैं। सभी कुपों के नाम उन पर अंकित हैं। पंडों के सेवक रस्सी बाल्टी लेकर साथ ही हो चलते हैं और तीर्थों से जल खींचकर यात्री को स्नान या मार्जन कराते हैं। भोला 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 रटो चले आएंगे भंडारी। 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 आएंगे भंडारी चले आएंगे भंडारी। आएंगे भंडारी चले आएंगे भंडारी। आएंगे भंडारी चले आएंगे भंडारी। प्रचलित धारणा के अनुसार श्री राम ने लंका राजा रावण पर चढ़ाई करने से पूर्व यहां भगवान शंकर की आराधना कर मंदिर की स्थापना की थी। यहीं पर सीता जी ने अपनी पवित्रता के प्रमाण में अग्नि परीक्षा दी थी। यहीं अगस्त्य आदि ऋषियों ने राम से रावण को मारने के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था और ऋषि पुलस्त्य का नाती था। प्रायश्चित स्वरूप राम को शिवजी का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करना था। श्री राम ने हनुमान जी से कैलाश जाने और शंकर भगवान से दिव्य लिंग लाने को कहा। हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे किंतु उन्हें अभिशिष्ट मूर्ति न मिल सकी, अतः उन्होंने इसी की प्राप्ति के लिए तप करना शुरू कर दिया। इधर हनुमान को न आता देखकर राम और ऋषियों ने मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त कमाना ठीक नहीं समझा। ऋषियों के आदेश से श्री जानकी ने बालू का लिंग बना दिया। सीता और श्री राम ने बालू के लिंग उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्थापना के बाद हनुमान जी दो शिवलिंग लेकर कैलाश से लौटे। उनको राम की प्रतीक्षा न करने पर दुख हुआ। राम जी ने उन्हें स्थापित लिंग हटा देने के लिए कहा। हनुमान जी ने इसे हटाने का प्रयास किया तो दूर जा गिरे। अंत में श्री राम ने उन्हें समझाया, उनका लाया एक लिंग हनुमंदीश्वर नाम से स्थापित कर दिया। दूसरा रामेश्वर के पास में बिना स्थापना विश्वनाथ लिंग है। श्री राम ने घोषणा की कि रामेश्वर की पूजा से पहले लोग हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग, जिसका नाम हनुमंदीश्वर अथवा काशी विश्वनाथ है, उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद ही रामेश्वर के दर्शन लाभ करेंगे। आज तक ये प्रथा चलती चली आ रही है कि यात्रीगण रामेश्वर की पूजा से पहले काशी विश्वनाथ की ही पूजा करते हैं। भगवान रामेश्वर पर
गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। रामेश्वर दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर मंदिर द्वीप के पूर्वी तट पर है। इसके भवन बड़े विशाल हैं और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे हैं। गौरा रानी चंदा चकोर है भंडारी, 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 गौरा रानी चंदा चकोर है भंडारी। भोला 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 रटो चले आएंगे भंडारी, भोला भोला रटो। आइए अब हम चलते हैं द्वारिका धाम की ओर। कहते हैं कि द्वारिका की वायु से उड़ी धूल भी यदि शरीर को छू भी जाए तो उससे बड़े से बड़ा पापी भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। द्वारिका धाम भी है मोक्ष दायिनी सब पुरियों में से एक पुरी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारिका धाम भी सागर में विलीन हो गया था। इसके कुछ अवशेष सागर की तह में से निकाले गए हैं। यही ही द्वारिका धाम का प्रमुख मंदिर द्वारिका के मुख्य मंदिर के पिछवाड़े पश्चिम दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा खार है। इसमें समुद्र का जल भरा रहता है। इसी को गोमती नदी कहते हैं। यहाँ भक्त जन स्नान पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं। इसी गोमती के किनारे कई घाट बने हैं। कुल मिलाकर 9 घाट हैं। सर्वप्रथम यहीं इन्हीं घाटों पर यात्री स्नान करते हैं। पुराणों के अनुसार ही श्री कृष्ण जी ने उत्तर काल में शांति के उद्देश्य से एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र के समुद्र तट पर द्वारिकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। द्वारिका नगरी का महत्व अपने आप में गौरवपूर्ण है। यद्यपि यह अब अपने अतीत काल के उस ऐश्वर्य और वैभव के रूप में नहीं है जबकि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यह मलया दीय सागर प्रतिपल लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों को धोया करता था। जहां कंचन और रत्न चरित मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर दीनहीन सुदामा ने मित्रता की दुहाई दी थी। द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के पास नंगे पांव दौड़े चले आए थे और उसे अपने हृदय से लगा लिया था। परंतु ये बातें तो इस पुण्य धाम की अतीत की बातें हैं। यही है द्वारिका धाम का प्रमुख मंदिर। इसे ही रणछोड़ राय का मंदिर भी कहते हैं और ये ही द्वारिकाधीश मंदिर भी कहलाता है। ये 7 मंजिलों का है। 4 ओर कपूट हैं। मुख्य मंदिर में ही रणछोड़ राय की चतुर्भुज मूर्ति है। मंदिर के दक्षिण में शिवग्रह मंदिर है। वहां राजा बलि शंका आदि तथा गरुड़ की मूर्ति है। गरुड़ ही तो भगवान श्री कृष्ण का वाहन है। सभा मंडप में उत्तर के मंदिर में बलदेव जी की मूर्ति है। उत्तर में ही मोक्ष द्वार के निकट कुशेवट शिव मंदिर है। इनके दर्शन किए बिना द्वारिका यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ पर द्वारिका के मंदिर में रणछोड़ जी का मंदिर ही
अति सुंदर है। कथा है, भगवान श्री कृष्ण काल यवन के विरुद्ध युद्ध से आकर द्वारिका पहुंचे थे। इस प्रकार उनका नाम रणछोड़ जी पड़ा था। स्कंद पुराण की प्रभास खंड के अनुसार यहाँ कीट पतंगा, पशु पक्षी, नर नारी सभी मुक्ति पा जाते हैं। द्वारिका मंदिरों की नगरी है। पर्यटक हाट बाजार जाकर अपने लिए व अपने मित्रों के लिए, साथ ही सगे संबंधियों के लिए भी यादगार के तौर पर विभिन्न वस्तुएं मोल तोल करके खरीदते हैं और बड़े चाव से अपने साथ लेकर जाते हैं। अब समय आ गया है कि हम दूर क्षितिज में डूबते तांबे के समान सूर्य देवता को सागर में समा लेने के लिए या सोने के लिए छोड़ दें और स्वयं सागर को, सूर्य को प्रणाम कर अपने अगले पड़ाव की ओर चलें। हमारे साथ आइए और अब हम गोपी कुंड चल रहे हैं। द्वारिका में कई कुंड हैं, ये यहाँ की चक्र तीर्थ यात्रा में शामिल है। श्रद्धालु लोग दामोदर कुंड जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नरसी मेहता की हुंडी स्वीकार की थी। गोपी कुंड एक तीर्थ स्थल ही है, जहाँ भक्त जन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्ति की याचना और कामना करते हैं। अब हम बेठ द्वारिका के निकट पहुंच रहे हैं। ओखा स्टेशन पर उतरकर लगभग एक मील पर ये समुद्री खाड़ी है। खाड़ी में पक्के घाट बने हैं। यहीं से चलकर हम नौका विहार करते हुए बेठ द्वारिका पहुंच रहे हैं। बेठ द्वारिका 7 मील लंबा एक कच्ची खाड़ी में द्वीप है। आप कुछ देर सागर की यात्रा का आनंद लें। हम दूसरे तट पर बने पक्के घाट पर आपके पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं। श्री कृष्ण जी का महल। एक चौक में 3 2 मंजिले और 5 3 मंजिले भवनों से बना है श्री कृष्ण महल। दाहिनी ओर श्री कृष्ण मंदिर है, पूर्व में प्रद्युम्न मंदिर है। महल में रणछोड़ राय का और दूसरी ओर त्रिविक्रम जी का मंदिर है। एक ओर पुरोबाम जी, देव की माता तथा माधव जी के मंदिर हैं। जितने भी प्राचीन यहाँ के मंदिर हैं, उनसे भी पुरानी हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा वेद पुराण हैं, और उतनी ही पुरानी है भक्तों की अपने भगवान श्री विष्णु और कृष्ण में श्रद्धा। केशव का नाम भर लेने से मनुष्य संसार के भव सागर को पार कर जाता है। बेठ द्वारिका में रणछोड़ तालाब, रत्न तालाब, कचारी तालाब, कई जलाशय हैं, इन्हें अवश्य देखिए। मुरली मनोहर हनुमान टेकरी देवी मंदिर, नवग्रह मंदिर, नीलकंठेश्वर आदि देव मंदिरों के दर्शन भी अवश्य कीजिए। जी हाँ, मुख्य मंदिर से आधे मील की दूरी पर शंख नारायण मंदिर तथा सरोवर हैं। श्री कृष्ण जी ने यहाँ शंखवासुर राक्षस को मारा था। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यह है रुक्मणी देवी का मंदिर। कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि यात्रा के लिए यहाँ पधारे। श्री कृष्ण
रुक्मणी रथ में बैठकर उनके पास गए और ऋषि को आमंत्रित करके अपने यहाँ बुलाकर लाए। ऋषि ने उनको घोड़ों के स्थान पर रथ खींचने को कहा, तभी आमंत्रण स्वीकार किया। भगवान तथा रुक्मणी ने वैसा ही किया। रास्ते में रुक्मणी जी को प्यास लग गई। श्री कृष्ण ने रथ रोककर पांव से ही पृथ्वी दबाकर उन्हें जल पिलाया तो दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारा श्री कृष्ण जी के साथ वियोग होगा, और ये कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चल दिए। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चौथे धाम की तरफ, जिसे कलयुग का जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। गयासुर का वध करने पर अपनी विजय प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आयुक्त शंख को इस धाम में अवस्थापित किया था। कहते हैं राजा की तपस्या और प्रार्थना स्वीकार करके भगवान ने एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण कर 3 सप्ताह में नील माधव की मूर्ति तैयार करने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि मूर्ति तैयार होने से पूर्व राजा उसके दर्शन नहीं करें और वो स्वयं एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाएं। जब राजा ने कई दिन तक कमरे के भीतर से कोई आवाज न सुनी तो द्वार खोले गए। उसके भीतर 3 मूर्तियां मिली जिनके हाथ और पांव के पंजे नहीं थे, बढ़ाई कहीं नहीं दिखाई दिया। ये स्तंभ जिसे हम देख रहे हैं, ये कभी कोणार्क में स्थापित था। मराठों ने इस अणु स्तंभ को वहां से हटाकर जगन्नाथ मंदिर के सामने काट दिया था। श्रद्धालु भक्त मंदिर के भीतर और बाहर परिक्रमा करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ असंख्य लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन 3 मूर्तियों को 3 विशाल रथों में रखा जाता है और 10 दिन बाद वापस मंदिर में उन्हें लाया जाता है। सच पूछें तो छुआछूत निर्वाण की भावना के कारण रथ यात्रा का विशेष महत्व है। महाप्रभु जगन्नाथ का महाभोग लेते समय जात पात का कोई विचार नहीं किया जाता। Jump!
जगन्नाथ मंदिर से समुद्र की ओर सीधा मार्ग जाता है। भक्तजनों के अतिरिक्त देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर सागर की लहरों का आनंद उठाते हैं। फन उबलती झाग उबलती लहरों का तट तक आने और लौट जाने का खिलवाड़ अपना ही आकर्षण रखता है। दूर क्षितिज तक फैला नीला गहरा सागर, सागर की छाती पर थिरकती कूदती मचलती लहरें, दूर कहीं सागर पर हिचकोले खाती कश्ती, मानो एक मनोरम दृश्य। ऐसे में बच्चों बूढ़ों में कोई भेद नहीं रह जाता। हजारों वर्षों से जगन्नाथ धाम का ये नीला गहरा सागर यात्रियों और पर्यटकों को अपने निकट आने का निमंत्रण देता आ रहा है, भविष्य में भी बुलाता रहेगा। कुछ भक्तजन यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पंडित जन यहाँ श्राद्ध करने की व्यवस्था भी करते हैं। कहते हैं यहाँ श्राद्ध करने से मृतक को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। यही तीर्थ हमारे देश के प्राण हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मन में सदाचार परोपकार की भावना जागृत होती है और जीवन सफल हुआ ऐसा प्रतीत होने लगता है। मनोकामनाओं का वांछित फल भगवान के द्वार से मानो मिल गया हो। आइए हम और आप जगन्नाथपुरी के बाजारों में, बाजार के हाटों पर या पुनः मंदिर में लौट चलें। माधव भगवान, जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम, इन तीनों की मूर्तियों के दर्शन से मन नहीं भरता। भगवान विष्णु ही संसार के रचनाकार हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है पापों से उबारने वाला। पुनः संचय और पाप का निवारण ही सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य है। भारत का पांचवा धाम है। ये धाम मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के सुंदर प्राकृतिक परिवेश के बीच स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत है, जो कि भक्तों को सम्मोहित कर देता है। बालाजीपुरम धाम पहुंचने के लिए भारत के किसी भी कोने से रेल गाड़ियां उपलब्ध हैं। तीर्थयात्री भोपाल या इंदौर तक आकर सड़क मार्ग से बैतूल आते हैं। यही है सुप्रसिद्ध पांचवा धाम बालाजीपुरम। इस धाम की महिमा अपरंपार है। ऐसी मान्यता है कि श्री बालाजी को केवल एक बार ही किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। इनकी वंदना करने वाला जीवन और मृत्यु अनंत चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। धन्य है
ऐसा महिमावान धाम। और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो यहां आकर श्री बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं। इस भव्य धाम की कलश स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूज्य शंकराचार्यों और पूज्य हिंदू संत महात्माओं की शुभ उपस्थिति में दिनांक 4 फरवरी सन 2001 की शुभ घड़ी में संपन्न हुआ। 35 फुट ऊंचा श्री बालाजी मंदिर का ये प्रवेश द्वार विशुद्ध दक्षिण भारतीय वास्तुशैली की अनुपम मिसाल है। इस द्वार को श्रद्धा से मंगल द्वार या तोरण द्वार कहते हैं। द्वार के दोनों ओर दो विशाल काय गजराज तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते प्रतीत होते हैं। द्वार के ऊपर हमारे सनातन धर्म के समस्त देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियां स्थापित हैं। इस द्वार का एक एक कोना और किनारा बेल बूटों की नक्काशी से सजा है। प्रवेश द्वार की चौखट लांघते ही हमारे सम्मुख होते हैं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। पद्मासन की योग मुद्रा में ध्यान मग्न भगवान शिव का ये विग्रह अकस्मात ही मन के किसी पवित्र कोने में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। भगवान शिव इस संपूर्ण ब्रह्मांड के मंगलकर्ता हैं, रचयिता हैं और निस्संदेह विनाशकर्ता भी। मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि इस सुंदर और भव्यतम मंदिर के निर्माण के पीछे किस भक्त की श्रद्धा का हाथ है। तो आइए उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी श्रद्धा और ईश्वर प्रेम का अनन्य प्रमाण बना श्री बालाजीपुरम का ये आदरणीय धाम। ये विभूति हैं श्री सेम वर्मा। 111 फुट ऊंचा और 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला श्री बालाजी मंदिर और इसका प्रांगण श्री सेम वर्मा की धर्मपरायणता का सच्चा सबूत है। यही वो माँ हैं जिन्होंने कभी अपने सपनों में श्री बालाजीपुरम की छवि देखी थी, जिसे बाद में उनके कुल दीपक श्री सेम वर्मा जी ने सार्थक कर दिखाया। गंगा कुंड। बालाजीपुरम में स्थित ये कुंड गंगा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र कुंड में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी जैसी पवित्र नदियों का जल समाहित है। हमारी जानकारी में यही एकमात्र ऐसा कुंड है जिसमें हमारे देश की 7 पवित्र नदियों का जल है। इस मायने में ये गंगा कुंड एक दुर्लभ कुंड है। इसका जल इतना निर्मल है कि जिसे देखकर मन पुलकित हो उठता है। गंगा कुंड के दोनों तरफ भारत के सभी प्रांतों की महिलाओं की आदम कद मूर्तियां अपने सरों पर कलश उठाए श्रद्धालुओं का स्वागत करती प्रतीत होती हैं। गंगा कुंड से आगे बढ़ने पर हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सुंदर विग्रह के सामने पाते हैं जो कि हमारी बाएं ओर पड़ता है। इस विग्रह में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में कालिया नाग के विशाल फन पर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। भगवान बालाजी की पवित्र चौखट के समीप ही एक विशाल ध्वज स्तंभ श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। लगभग 30 फुट ऊंचे इस ध्वज स्तंभ के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जिस स्थान पर भी हो वहां बुरी आत्माएं कभी भी आसपास नहीं फटकती। इस ध्वज स्तंभ पर प्रतिष्ठित केसरिया ध्वज पताका समस्त अकाल मुसीबतों से हमारी रक्षा करती है और साथ ही धार्मिक स्थल होने का भी संकेत देती है। इस ध्वज के नीचे बलि बिड़म नामक एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी है।
बलिबिड़म वो स्थान है जहां हमारे भीतर छिपी तमाम बुराइयों की बलि चढ़ जाती है। हमारा अहंकार, राग, द्वेष और बुरे विचार इस स्थान पर आकर खत्म हो जाते हैं। द्वार से ही भगवान की नयनाभिराम छवि देखकर अपने जीवन को कृतार्थ कर हम नतमस्तक होकर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर की बाईं ओर जैसे ही हम मंदिर की कलाकृतियों को देखते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं, हिंदुओं के सर्वप्रथम पूज्य श्री विघ्न विनायक गौरी नंदन कैलाशपति महादेव के पुत्र श्री गणेश जी अष्टकोणीय मंदिर में श्री सिद्धि विनायक के नाम से विराजमान हैं, जिनका शरीर विशाल तथा जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। ऐसे भगवान गणेश से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सभी अच्छे कार्यों को बिना किसी बाधा के सदा संपन्न कराएं। श्री गणेश जी से विदा लेने के पश्चात हम द्वापर युग के महान पुरुष विष्णु अवतार, महाभारत के प्रमुख पात्र, प्रेम के प्रतीक, भगवद गीता के चरितार्थ रास रसैया मनमोहन, मुरलीधर गोपाल आदि के नामों से जो जाने जाते हैं वो विराजमान नजर आते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की युगल प्रतिमा के दर्शन कर हम कृत कृत हो जाते हैं। राधा कृष्ण की प्रतिमा मनमोहक एवं आकर्षक है। थोड़ी और आगे चलने पर बैकुंठ के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु जगत के पालन करता है, जिन्होंने अपने भक्तों की प्रार्थना पर जब जब उन भक्तों पर धर्म पर अधर्म की विपदा पड़ी तब तब उनकी रक्षा करने हेतु विभिन्न रूपों में अवतार लिया। भगवान बालाजी की सुप्रभात आरती प्रातः 6:20 पर प्रारंभ होती है। विशाल घंटे और नगाड़े की ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। जिस समय द्वार से पर्दा उठता है, समस्त श्रद्धालु भगवान की अगवानी में खड़े होकर भगवान बालाजी स्वरूप विष्णु जी के दर्शन पाते हैं। इस मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा अत्यधिक आनंदमयी करुणामयी जान पड़ती है। उनके मुखारविंद से प्रसन्नता छलकती है। इस मंदिर में प्रतिमाओं के श्रृंगार की शैली दक्षिण भारतीय होने से सभी के मन को भाती है। यही कारण है कि बालाजीपुरम में तिरुपति के दर्शनों का पुण्य लाभ होता है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा में हूं। मैं ही सबका प्रारंभ हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं सर्वदा तुम्हारे चारों ओर मैं ही हूं। भगवान बालाजी तिरुपति में प्रकट रूप वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से विराजमान हैं। इनके अनेक नाम हैं। दक्षिण भारत में इन्हें वेंकट स्वामी और उत्तर भारत में लोग इन्हें बालाजी के नाम से जानते हैं। बालाजी के दर्शनों के पश्चात हम उस आदिशक्ति माँ के द्वार पर खड़े हैं, जिसे सारे संसार की जननी कहा जाता है। विश्व प्रपंच इन्हीं से उत्पन्न है और अंत समय इन्हीं में लीन हो जाता है। आदिकाल से शक्ति साधना का प्रथम रूप दुर्गा मानी जाती रही है। विश्व में किसी न किसी रूप में देवी की पूजा शक्ति रूप में प्रचलित है। ये शक्ति दुर्गा हो या काली, वो ब्रह्ममयी महाशक्ति है जो विश्व चेतना के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। इनकी उपासना से मनुष्य को विजय, धन, धान्य, पुत्र
और कीर्ति प्राप्त होती है। नवरात्र महोत्सव में यहाँ अपार जन सैलाब उमड़ पड़ता है। माता के नव दिन नित्य श्रृंगारमय स्वरूप को देखकर श्रद्धालु अपने को धन्य मानते हैं। दुर्गा माँ के दर्शन करने के बाद अब हम आगे की ओर चलते हैं, जहां पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं। श्री रुक्मणी महादेव शिवलिंग की स्थापना 29 जनवरी 2001 से 4 फरवरी 2001 तक हुए प्राण प्रतिष्ठा के पावन प्रसंग में चारों पीठों के शंकराचार्यों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई थी। मुख्य मंदिर से बाईं तरफ कुछ दूरी पर अवतार पुरुष साईं बाबा का मंदिर है। शिरडी इनकी कर्मस्थली होने से उन्हें शिरडी के साईं बाबा कहा जाता है। बाबा ने अपने जीवन काल में मानव को प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। इन्होंने कभी किसी जाति धर्म को महत्व ना देकर मानव धर्म की स्थापना पर पुरजोर प्रयास किया। उन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों को आकर्षित कर अपनी तरफ खींचा। मंदिर के दाईं तरफ है बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर। श्री हनुमान जी रूप महादेव के 11वें अवतार हैं। भगवान शिव स्वयं श्री राम को अपना आराध्य इष्ट देव मानते हैं, अतः उन्होंने शिव रूप में अपनी भक्ति की लालसा को पूरा न होते देखकर वानर रूप में अंजनी के गर्भ से केसरी के घर में जन्म लिया। रुक्मणी बालाजी मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को इनकी जयंती मनाई जाती है व मांगलिक दर्शन किए जाते हैं। वैसे तो यहां मंदिर में प्रति मंगलवार हनुमान जी की विशेष पूजा का महत्व है। प्रातःकाल होते ही इनके भक्त यहां द्वार के सम्मुख देखे जा सकते हैं। अब हम चित्रकूट धाम के दर्शनों की कुछ झांकियों के दर्शन करके अपने आप को धन्य करेंगे। चित्रकूट धाम बालाजीपुरम दर्शन का एक अंग है, जो 6 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है। चित्रकूट धाम परिसर में आप जिन मुख्य धार्मिक स्थलों के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं वे हैं वाल्मीकि आश्रम, गुरु वशिष्ठ आश्रम, वन विहार, सीता स्वयंवर, ऋषि विश्वामित्र आश्रम, राम घाट, श्री राम का वनगमन, श्री बमलेश्वरी मंदिर, भारत मिलाप,
शारदा देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर सहित अनेक आश्रम एवं मंदिर। दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे क्या जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे बड़े प्यार से मिलना सबसे दस एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में श्री बालाजी मंदिर के अतिरिक्त बच्चों के मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आखिर बच्चे भगवान का सच्चा रूप जो होते हैं। बच्चों के इस मनोरंजन पार्क में झूले, कोलंबस, मैरी गो राउंड, आकाश मार्ग पर चलने वाला हवाई जहाज और एक प्यारी सी खिलौना ट्रेन अर्थात टॉय ट्रेन भी है। इसकी छुक छुक की चाल देखकर बच्चे इसकी सवारी के लिए मचल उठते हैं। श्री बालाजी पुरम में तीर्थयात्रियों के रहने ठहरने का भी पूरा इंतजाम है। इनमें साधारण और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के निवास हैं। इनके अलावा धर्मशाला भी है यहाँ। बालाजी पुरम में अच्छा खासा बाजार भी है जहाँ तीर्थयात्री अपनी जरूरत की वस्तुओं के अलावा पूजा पाठ की सामग्री भी खरीद सकते हैं। बालाजीपुरम सही अर्थों में एक ऐसा अलौकिक स्थल है जो मनुष्य को दर्पण की तरह उसका असली चेहरा दिखाता है और फिर बालू यानी रेत पर टपकी पानी की बूंद की तरह हमारी समस्त बुराइयों को सोख लेता है।